नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल प्रणव कृषि केंद्र में स्वागत करता हूं। तो हमारे क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बादल छाया हुआ है, बारिश होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है बहुत सारे किसान भाइयों का धान इस अवस्था में आ चुकी है, मतलब बहुत सारे किसान भाइयों का धान अब तक निकल चुकी है। इस अवस्था में हमारे खेत में नमी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे नमी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन लगातार बारिश होने के कारण हमारे खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भराव हो रही है, जिस कारण हमारे फसल में कुछ समस्या देखने को आती है। बीमारी में नेट ब्लास्ट, ब्लास्ट की समस्या देखने को आती है, और जैसे कीटों में ब्लैक हॉपर, जिसे हम भूरा माहू के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीट, ये सब बीमारी या कीटों का अटैक अपने फसल में देखने को मिलती है। इस मौसम में हमारे खेत में जितने भी पानी भराव है उसे छोड़ देना चाहिए। इस खेत में भी क्या है, पानी भर गया था, इसे क्या है, छोड़ दिया गया है। ये देखिए नाली बनाकर या छोड़ दिया गया है मेड़ को काट के। ठीक है, तो इस अवस्था में हमारे खेत में अगर पानी भराव हो रही है तो उसे छोड़ दीजिए। तो ये सब छोटे छोटे बातों को हम किसान भाई ध्यान में रख के बहुत से कीट और बहुत से बीमारी से अपने फसल से बच सकते हैं। और ऐसे ही खेती संबंधित इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहयोगी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये सब जानकारी सभी किसान को पता चलते रहे। और ये छोटे छोटे बातों को ध्यान रखकर हम क्या है, अच्छे से फसल ले सकते हैं। और